राज भाई, कई सारे लोग आकांक्षा दुबे की मौत के बाद उनको लेकर बड़ी विचित्र विचित्र बातें कह रहे हैं। यूट्यूब ने ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया है जिस पर कोई भी आके कुछ भी कह रहा है। कोई कह रहा है कि वो नशा करती थी, कोई कुछ और कह रहा है। ऐसे लोगों को क्या जवाब देना चाहते हैं राज यादव? एक मैं भी वीडियो देखा हूँ, कल मैंने वीडियो देखा था। एक बंदा है, कौन है नहीं जानता हूँ, मुँह छूछ रखा हुआ है, बहुत ही बदतमीज टाइप का आदमी है जो भी जो बोल रहा था वो। देखो, जहाँ तक मैं अगर व्यक्तिगत अपनी बात करूँ, जहाँ तक मैं जानता हूँ, तो वो एक बहुत ही अच्छी लड़की थी। बट जो बहुत वो जो वीडियो मैंने देखा उसमें आदमी को कह रहा है कि जो है नशेड़ी थी, भंगेड़ी थी। तो मैंने ऐसा कभी नोटिस नहीं किया कि वो ऐसा करती थी। ठीक है, सबकी अपनी व्यक्तिगत लाइफ होती, हर इंसान करता है, क्या पता वो भी करती होगी नहीं करती होगी। बट मैं नहीं मान सकता, बिकॉज मैं उसको बहुत दिन से जानता था और मेरी बहुत पुरानी दोस्त थी। और मेरा नाम आनंद कमलेश त्रिपाठी है और आप मुझे बिंदास भोजपुरी आप पर देख रहे हैं। मित्रों, आकांक्षा दुबे की मौत के बाद कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या हकीकत है इसके पीछे। आकांक्षा दुबे को लेकर खुद कई तरह के लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं। राज यादव साहब हैं अभिनेता और साथ ही साथ आकांक्षा दुबे के करीबी दोस्तों में से एक हैं। राज भाई, सबसे पहले तो आपका रिएक्शन जब आपने ये खबर सुनी होगी कि आकांक्षा दुबे हमारे बीच नहीं है। देखिए, बहुत जो है सैड न्यूज़ है हमारी इंडस्ट्री के लिए। और आकांक्षा दुबे जो है अपने आप में एक सुपरस्टार थी और उन्होंने अपने दम पे जो भी थी, एक अच्छे मुकाम पे थी और अपने दम पे थी। तो हमारी पूरी इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा धक्का लगा हुआ है, जो कि आकांक्षा का ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब उसके पीछे क्या रीज़न है वो व्यक्तिगत मैं नहीं बता सकता हूँ, या मुझे इतनी जानकारी नहीं है, और धीरे धीरे पता चलेगा कि क्यों हुआ ऐसा, क्यों हुआ, उन्होंने ऐसा क्यों किया। बट जो भी हुआ एक्चुअली में गलत हुआ है। राज भाई, आपकी जान पहचान, मुलाकात, दोस्ती आकांक्षा दुबे से कितनी पुरानी है? मेरी, हमको लगता है कि मेरी दूसरी फिल्म आई थी हीरो हैंडसम, और 2019 में आई थी मेरी फिल्म हीरो हैंडसम। तो एक दिन जो है आकांक्षा ने मुझे फ़ोन किया, और उस समय मेरा ट्रेलर रिलीज हुआ था वर्ल्ड वाइड से हीरो हैंडसम का। और उन्होंने फ़ोन किया, बोले राज यादव बोल रहे हैं। तो मैंने कहा जी मैं बोल रहा हूँ। तो बोली मैंने आपका ट्रेलर देखा और आकांक्षा दुबे मैं बोल रही हूँ, मुझे आपसे मिलना है। तो मैंने कहा ठीक है, आ जाइए। तो मैं ओशीवरा में रहता था और मैं उनको मिलने जो है बुलाया, और मैं ऐसे गाड़ी में बैठा था। तो आई गाड़ी में बैठी और गाड़ी में ऐसे नॉर्मल गाना एक बज रहा था, और वो गाना एकदम पूरा वॉल्यूम तेज़ कर दी, लगी नाचने। और थोड़ा सा मुझे लगा कि यार ये अचानक से क्या हो गया, मतलब एक तो पहली मुलाकात, जानता नहीं हूँ, और ऐसा बिहेवियर। तो लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद फिर नॉर्मल हुई और हम दोनों आराम से अच्छे से बातचीत किए। और बाद में फिर नेक्स्ट टाइम जब भी मिली, और फिर उनका मतलब एक ऐसा लगा कि नहीं, उनका एक्चुअली बिहेवियर उनका वैसा है। बहुत लोग ऐसा होता है कि आदमी फ्री माइंड का होता है, खुल के ज़िंदगी जीता, खुल के ज़िंदगी जीता, चुलबुला टाइप का होता है। तो उनका नेचर ही चुलबुला था, और मेरी बहुत ही अच्छी और बहुत पुरानी दोस्त थी, क्योंकि मैं भी, हमको लगता है उसके जस्ट थोड़ा पहले ही आया था मैं, और मेरी पहली पिक्चर राम अली थी, तो उसके जस्ट बाद हीरो हैंडसम किया था। तो 2019 में शायद उनकी एंट्री थी, उसके सिमिलर ही आई थी, 18-19 में आई थी वो। और उसने अपने दम पे जो है, अपने दम पे एक अपना मुकाम बनाया था, बिना किसी के सपोर्ट के एक अच्छा इंडस्ट्री में अपनी एक जगह बनाई थी, और अच्छे अच्छे फिल्में की थी, अच्छे अच्छे गाने किए थे। बट जो हुआ भी क्या बोल सकते हैं, बहुत गलत हुआ सर। दर्द जो है वो राज यादव की आंखों में, इनके चेहरे पर नज़र आ सकता है कि इन्होंने एक करीबी, एक अच्छा और एक शानदार दोस्त खो दिया है। वजह उसके पीछे की कुछ भी हो सकती है। राज भाई, कई सारे लोग आकांक्षा दुबे की मौत के बाद उनको लेकर बड़ी विचित्र विचित्र बातें कह रहे हैं। यूट्यूब ने ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया है जिस पर कोई भी आके कुछ भी कह रहा है। कोई कह रहा है कि वो नशा करती थी, कोई कुछ और कह रहा है। ऐसे लोगों को क्या जवाब देना चाहते हैं राज यादव? एक मैं भी वीडियो देखा हूँ, कल मैंने वीडियो देखा था। एक बंदा है, कौन है नहीं जानता हूँ, मुँह छूछ रखा हुआ है, बहुत ही बदतमीज टाइप का आदमी है जो भी जो बोल रहा था वो। देखो, जहाँ तक मैं अगर व्यक्तिगत अपनी बात करूँ, जहाँ तक मैं जानता हूँ, तो वो एक बहुत ही अच्छी लड़की थी।
और मैं अपनी व्यक्तिगत नहीं, मैं यहाँ तक देखा हूँ कि जो मेरे सर्कल में बहुत सारे मेरे दोस्त भी हैं या फिर कभी हम लोग मैं से मिलते थे साथ में, वो भी है, हम ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो वो एक चुलबुली टाइप की थी और सबसे हंसी मजाक, सबकी अपनी व्यक्तिगत पर्सनल लाइफ होती है, पर्सनल लाइफ में आदमी कुछ भी कर सकता है, बट जो बहुत वो जो वीडियो मैंने देखा उसमें आदमी को कह रहा है कि जो है नशेड़ी थी, भंगेड़ी थी, तो मैंने ऐसा कभी नोटिस नहीं किया कि वो ऐसा करती थी। ठीक है, सबकी अपनी व्यक्तिगत लाइफ होती है, हर इंसान करता है, क्या पता वो भी करती होगी नहीं करती होगी, बट मैं ऐसा मैं नहीं मान सकता बिकॉज मैं उसको बहुत दिन से जानता था और मेरी बहुत पुरानी दोस्त थी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग गलत अफवाह मत उड़ाइए, जो इस दुनिया में नहीं है तो उसके बारे में गलत बोल के कुछ नहीं होने वाला है। पहले अपना गिरेबान झांक लीजिए आप क्या हैं, उसके बाद आप किसी के बारे में जज करिए, किसी के बारे में बोलिए। बिल्कुल, और सवाल ये नहीं है कि वो नशा करती थी या नहीं करती थी, सवाल ये है कि आप उनके साथ क्या कर रहे हो। सवाल ये है कि एक लड़की जो अब इस बीच नहीं है, हमारे साथ नहीं है, उसने इस दुनिया को छोड़ दिया है, आप अपने इन तरह की हरकतों से उसके मरने के बाद भी उसकी हत्या कर रहे हो। ये सीधे मेरा मानना है कि इस तरह की बातें आप कर रहे हो जो हमारे साथ नहीं है, इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है कि वो क्या करती थी क्या नहीं करती थी। सच तो यह है कि अब वो हमारे बीच नहीं है, और ऐसे लोगों को यही जवाब है कि भैया जाके ज़रा चेक कराइए ऊपर वाला महला खाली तो नहीं है। राज भाई जी, ये सच्चाई है सर, पहले आप अपने बारे में अपना गिरेबान आप झांक लीजिए कि आप क्या हैं, आपने क्या किया है। ठीक है, वो लड़की थी, वो लड़की होके जो है उसने इतने सारे फिल्में की है और भोजपुरी में हमको ऐसा नहीं लगता है कि कोई स्टार बचा होगा जिसके साथ उसने काम नहीं किया होगा, और उसने हमको लगता है अपने दम पे किया है, बैकअप कोई बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं था, क्योंकि मैं बहुत दिनों से जानता हूँ तो इसलिए मैं बता सकता हूँ बैकअप में बहुत बड़ा सपोर्ट कोई नहीं रहा है, उसने जो भी किया है अपने दम पे किया है। और मैं इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि किसी को राइट नहीं बनता है कि आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो उसके बारे में बुरा बोलें आप। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जो भी आप लोग फालतू बिना मतलब की बकवास कर रहे हैं आप उसके बारे में गलत ना बोलें, आप अच्छा नहीं कह सकते हैं तो बुरा भी मत कहिए, और मरने के बाद भी उसकी हत्या मत कीजिए। एक माँ जिसे आपने कल रोते हुए देखा कैमरे के सामने, जो छाती पीट पीट के चिल्ला रही है, उस माँ के दर्द को समझिए जिसने अपनी बेटी को खो दिया है, एक परिवार जिसका सब कुछ लूट गया है, उसके बारे में संवेदनाएं रखिए कम से कम, ताकि आप खुद को इंसान कह सकें। राज भाई, एक आखिरी सवाल, फिल्म फैटर्निटी काफ़ी दुखी है, परेशान है, मैं समझ रहा हूँ इस कला क्षेत्र से जुड़ा हुआ हर कलाकार, हर टेक्नीशियन काफ़ी डिप्रेशन में होगा, काफ़ी दुख में होगा, काफ़ी परेशानी में होगा, लेकिन क्या ये ऐसा वक्त नहीं है कि जब हम सबको एक साथ खड़े होना चाहिए और आकांक्षा दुबे के परिवार को ये महसूस कराना चाहिए, फील कराना चाहिए कि हम सब आपके साथ इस लड़ाई में हैं। कोई नहीं करने वाला सर, बड़ी बड़ी बातें खाली हैं। देखिए, जानते हैं अभी क्या हुआ, अभी 2 दिन बीत गया है, 4 दिन और बीत जाएगा, 4 दिन में सब भूल जाएंगे, सब ख़त्म हो जाएगा। जैसे हुआ तो सब ने अपनी प्रक्रिया दी, कोई फेसबुक के माध्यम से, अच्छा ठीक है, मैंने भी देखा जो है, मैं तो मतलब बॉम्बे में इस समय हूँ, अगर मैं यूपी में होता या बनारस में होता तो मैं ज़रूर जाता जहाँ पे उसकी अस्थियाँ जल रही थी, या घाट पे जहाँ उसको जहाँ पे जलाया गया था उनको, तो मैं ज़रूर जाता। और मैं कुछ वीडियो भी देखा, कुछ फ़ोटो देखा, मुझे इंडस्ट्री का उसमें एक सिंगल आदमी कोई दिखा नहीं जो उसमें गया हो या जिसे हम लोग पहचानते हो, कम से कम पहचानते हो। अब बोलने के लिए पता नहीं, बहुत सारे लोग बोलेंगे मैं गया था, बट मैंने इसे बहुत सारा फोटो दिखा कोई नहीं। तो अब खाली बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता है सर, और सब बोलेंगे मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा, कोई कुछ नहीं करने वाला सर। 2 दिन बीत गए, 4 दिन और बीत जाएगा, सब भूल जाएंगे, अपने सब काम धाम में लग जाएंगे, किसी कोई नहीं पड़ी है, इंडस्ट्री है, क्या बोलें, जाने दीजिए अभी सर। अगर ऐसा है तो ये फिल्म इंडस्ट्री के लिए, छोटे बड़े हर कलाकार के लिए एक विडंबना है, और इससे ज़्यादा बुरी, इससे ज़्यादा ख़राब और इससे ज़्यादा दुखद बात कोई नहीं हो सकती है। आकांक्षा दुबे अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन यकीन मानिए, अगर आज उनके परिवार के साथ आप लोग खड़े नहीं हुए तो हो सकता है कि अगली आकांक्षा दुबे आपके या मेरे किसी के घर से हो। राज भाई, शुक्रिया बातचीत के लिए, और जाने से पहले यही कहूँगा कि भाई एकजुटता हम सब में होनी चाहिए, कम से कम इस वक्त तो अगर हम एक साथ नहीं इकट्ठे हुए तो शायद आगे ना हो पाए। बिल्कुल, हम चाहते हैं हमारी इंडस्ट्री में हम सब एक परिवार की तरह हैं और सब इकट्ठा हों और पता लगाएं कि ऐसा हुआ क्यों, किसकी वजह से आ गया, कुछ इसके पीछे कुछ रीज़न है, क्या नहीं है। आप उसके परिवार को आप सपोर्ट करिए,
आप देख रहे हैं उनकी माँ जो है बेचारी का रो रो के बुरा हाल है। तो आप सब एकजुट हो जाइए और सबको सपोर्ट करिए, उनके घर परिवार को सपोर्ट करिए। आप अब जो चला गया उसको हम वापस नहीं बुला सकते, लेकिन ठीक है उनके परिवार को आप जो है थोड़ा संभाल सकते हैं। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, थैंक यू राज भाई, शुक्रिया बातचीत के लिए। वैसे आपको क्या कहना है आप कमेंट करके अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। मेरा नाम आनंद कमलेश त्रिपाठी है, कैमरे के पीछे शैलेश भाई थे जिन्होंने ये इंटरव्यू शूट किया। सवाल आपके जो भी हो कमेंट बॉक्स में हम तक ज़रूर पहुंचाएं, हम अगले वीडियो में आपके सवालों का जवाब ज़रूर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।